हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हमारा देश भारत महान क्यों है। दोस्तों, दुनिया के सभी इंसान पूरी दुनिया घूमने की इच्छा रखते हैं और पूरी दुनिया में कुछ न कुछ मज़ेदार चीज़ें, रहस्य और खूबियां रहती हैं। हमारा भारत देश खूबियों और रहस्यों से भरा पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हमें दुनिया घूमने से पहले अपने भारत देश में घूम लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, ताकि कहीं पर भी जाने पर कोई भी हमसे भारत देश के बारे में पूछे तो हम अपने भारत के खूबियों के बारे में बता सकें। दोस्तों, भारत दक्षिण एशिया का एक विशाल देश है। इसका इतिहास विविधता का खजाना है और अद्भुत, अविश्वसनीय है और आश्चर्यचकित परिदृश्य, घटनाओं तथा वस्तुओं से भरा हुआ है। दोस्तों, हमारा देश भारत पर कई आक्रमण हुए और लूटे गए। कई वर्षों तक हमारे देश भारत पर अंग्रेजों ने भी शासन किया, लेकिन हमारा देश उन सभी देशद्रोहियों को मुँह तोड़ जवाब दिया और आज एक शक्तिशाली देश भारत पूरे विश्व में किसी से कम नहीं है। तो दोस्तों, चलिए भारत के ऐसे ही और मज़ेदार, रोमांचक तथा आश्चर्यजनक तथ्यों को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत देश में हिंदी और अंग्रेजी दोनों लोकप्रिय है। भारत में सैकड़ों भाषाएं हैं, यहाँ हिंदी भाषा ही सबसे ज़्यादा बोली जाती है। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है जहाँ सर्वाधिक अंग्रेजी बोलने वाले लोग रहते हैं या जिनकी भाषा मुख्य अंग्रेजी है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या करीब 135 करोड़ मानी जाती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति और संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत के बारे में रोजाना आप कुछ न कुछ नया जरूर पढ़ते होंगे। क्या आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है? ऋषि मुनियों और अवतारों की भूमि भारत एक रहस्यमय देश है। दुनिया का सबसे खूबसूरत देश भारत। भारत को प्रकृति ने एक ओर जहां अनुपम और भरपूर सुंदरता से सजाया है, तो दूसरी ओर अध्यात्म की गंगा भी बहाई है। भारत में एक ओर हिमालय है तो तीन ओर समुद्र, एक और अथाह रेगिस्तान है तो दूसरी ओर भयानक जंगल। भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि देश के हर हिस्से में आपको एक से बढ़कर एक ऐतिहासिक स्थल, प्राचीन किले और भव्य महल दिख जाएंगे। इन ऐतिहासिक स्थलों के पीछे छिपी है प्यार, वीरता, ताकत और युद्ध की प्रसिद्ध कहानियाँ। एक समय था जब भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में शामिल हुआ करता था, जिसके चलते हर कोई हमारे देश पर शासन करने का सपना देखता था। वहीं हमारे देश पर अंग्रेजों ने भी काफ़ी लंबे समय तक अपनी हुकूमत चलाई है और इस दौरान भारत को कई तरह के नुकसान भी हुए हैं। जहां पहले भारत देश को एक सोने की चिड़िया होने का दर्जा मिला था। दोस्तों, कोहिनूर हीरे का जिक्र आप लोगों ने कई बार सुना होगा। आपको पता ही होगा कि ये हीरा भारत के पास हुआ करता था, जिसके बाद ये हीरा कई लोगों के हाथों से गुजरते हुए आज इंग्लैंड की रानी के ताज की शान बढ़ा रहा है। उस समय पूरे विश्व में इस हीरे का आकार सबसे बड़ा हुआ करता था। दोस्तों, भारत की गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन देशों में होती है। यहाँ का इतिहास, परंपराएं, संस्कार, सभ्यता, बोली, भाषा, सब कुछ अद्भुत है। भारत को विविधता में एकता का देश कहा जाता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की शान में जो भी कहा जाए या लिखा जाए वो कम है। भारत की संस्कृति, परंपरा और विरासत। वास्तव में भारत के भवनों, मंदिरों, किलों और महलों में समृद्धि है। प्रसिद्ध भारतीय स्मारक, गोवा के चर्च, ताजमहल, कुतुब मीनार, चार मीनार, लाल किला भारत के कुछ सबसे ऐतिहासिक स्थल हैं। इन ऐतिहासिक स्मारकों के अलावा भारतीय ऐतिहासिक स्थलों की बात आती है तो उसमें पहले नंबर पर आता है प्यार का प्रतीक ताजमहल। ताजमहल की खूबसूरती देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती को जिसने दुनिया भर के लोगों को अपना बनाकर रखा हुआ है। आज हमारा देश विश्व में एक अलग और अनोखी पहचान रखता है, जिसके कारण यहाँ आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा बाजार होगा। इसलिए सभी विकसित देश आज हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं। यह हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है।
कि जो देश कई वर्षों तक गुलाम रहा वो अग्रणी देशों की सूची में आता है। भारत को महान बनाने में अनेकों महापुरुषों, वीरों और ज्ञानियों का हाथ है। भारत की इस भूमि पर महावीर बुद्ध, गौतम, विवेकानंद और गांधी जी जैसे महान पुरुष हुए हैं जिन्होंने भारत की तरक्की में 4 चांद लगा दिए। मेरा महान भारत की भूमि ने आर्यभट्ट, रामानुज, अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक दिए हैं जिनकी प्रतिभा का लोहा आज पूरा विश्व मानता है। दोस्तों, मैं भारतवासी हूँ, मेरा भारत महान है। मेरा भारत देश ऐसा ही है जिसकी भूमि पर ईश्वर भी जन्म लेने के लिए ललायत रहता है। यह वही भूमि है जहाँ पर श्री राम और श्री कृष्ण ने जन्म लिया है। यह वही भूमि है जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध महाभारत का युद्ध हुआ है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। मेरा भारत संसार के सभी देशों से सबसे महान देश है। दूसरे देश के लोग हमारे देश की एकता का मिसाल देते हैं, क्योंकि कई सदियों तक विदेशी ताकतों के गुलाम रहने के बावजूद आज भी यहाँ पर कुछ अधिक बदलाव नहीं आया है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इंडिया नाम की उत्पत्ति इंड्यूस नामक नदी से हुई थी जो कि इंड्यूस वैली की घाटियों में बहती है। भारत की सेना अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है। भारत के पास विश्व की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत के कुंभ मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। भारत के केरल में दुनिया की सबसे बड़ी डाक व्यवस्था है। भारत देश की पवित्र नगरी वाराणसी दुनिया की सबसे पुरानी नगरी है। दुनिया का 7वां अजूबा भी भारत में है जिसे ताजमहल कहा जाता है। आगरा के ताजमहल को मुगल शासक ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। भारत का मेघालय राज्य दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला राज्य है। भारत का स्थान सुपर कंप्यूटर बनाने में तीसरे नंबर में है। सन 1986 तक भारत अकेला ऐसा देश माना जाता है जहां आधिकारिक रूप से हीरा पाया जाता था। भारत में ही दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम है। ये क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश में है जो कि समुद्र तट से 24,000 मीटर ऊपर बना है। भारत देश दुनिया में फिल्मों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है द्वारिका। विश्व धरोहर स्थल दिल्ली का लाल किला एक बड़ा किला है जो आज भारत का मुख्य पर्यटन आकर्षक है। गेटवे ऑफ इंडिया एक स्मारक को मुंबई के ताजमहल के रूप में संदर्भित किया गया है। यह दक्षिण मुंबई के अपोलो बंदर क्षेत्र में तट पर स्थित है और अरब सागर का मनमोहक नज़ारा दिखाता है। इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बलिदान हुए सैनिकों को प्रणाम करता है। यह राजपथ के पूर्वी हिस्से में स्थित है तथा शहर में सबसे लोकप्रिय स्मारकों में से एक है। राजस्थान राजपूतों के महान स्मारकों में से एक हवा महल, गुलाबी शहर के दिल और राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। पिरामिड आकार में बना यह 5 मंजिला महल जयपुर के प्रमुख पर्यटक आकर्षक के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर्ण मंदिर के रूप में हरिमंदिर साहिब अमृतसर पंजाब में स्थित गुरुद्वारा है। श्री दरबार पवित्रम तीर्थ और सिखों के लिए सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। भारत एक बड़ा देश है। भारतीय परंपराओं और संस्कारों के मुताबिक यहाँ सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। भारत के अंदर हमें सबसे ज़्यादा विविधता देखने को मिलती है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ दुनिया के सभी बड़े धर्मों के लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आज हमारे देश का प्रत्येक देशवासी गर्व से कहता है कि मैं भारत का वासी हूँ और मेरा देश सभी देशों से महान है। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।